बोलते कि किसी को दवाई लग रही है क्लिनिक पे भी, किसी को नहीं लग रही है, वही लाइकोपोडियम, वही कैल्केरिया, वही कई बार बोलते बच्चे कि सर आप देते हो तो काम करती है, हम देते हो काम नहीं करती, ऐसा होता है? होता है ऐसा? बोलते वैद्यां संदां संग इकट्ठा हुआ, तो क्वेश्चन कर रहे गुरु साहब को कि ये दवाई देते हैं वहां पे काम करती है, देते हैं वहां पे काम करती है, कहीं पे नहीं करती, क्यों नहीं करती? फिर आंसर देते गुरु साहब आगे, औखद, औखद मीन औषधि, दवाई, आए रास विच आप खलोआ। आप खलोआ मीन्स परमात्म जब आके आपकी दवाई में खड़ा होगा, वैद्य के अंदर खड़ा होगा, पेशेंट के अंदर खड़ा होगा, देन सिमिलिमम बनेगा, अदरवाइज आपका सिमिलिमम धराधराया रह जाएगा। विद्या का एक रोल है, विद्या का, ज्ञान का एक रोल है, और उस रोल के आगे कुछ और चलता है। वो आगे क्या चलता है, वो जैसे आज हम इस सतह पे हैं, हम सोचते हैं हमारे अंदर की एनर्जी है, हमारे अंदर की एनर्जी जब एक सुर है मालिक के साथ, तो फिर आप क्या सिमिलिमम, नहीं भी सिमिलिमम होगा तो सिमिलिमम निकलेगा। मैं ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बहुत स्मार्ट हैं, सीधे हैं, जो बहुत पढ़ते नहीं है, बहुत दिमाग नहीं खपाते, सीधा सीधा काम करते हैं, देन दे आर गेटिंग अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स विद होम्योपैथी, क्योंकि एनर्जी सीधी है, दिमाग इधर उधर टेढ़ा नहीं चलता ज्यादा, ऐसे वैसे कैसे, ये नहीं है, ये होना गलत है, ये अपनी तरह का बनता रहा, ये अपनी तरह की जो बनाया प्रभु ने अच्छा ही बनाया। तो कोनियम इज अ कंप्लीमेंट्री टू फॉस्फोरस ऑब्जर्व्ड बाय, सोचा कभी कोनियम फास्फोरस के कंप्लीमेंट्री होगी? नेवर। कितना सोचते हैं हम कोनियम के बारे में, ज्यादा से ज्यादा, कोई ट्यूमर्स ग्रोथ इंड्यूरेशंस, इससे ज्यादा नहीं सोचते, इससे ज्यादा हम नहीं सोचते, क्योंकि जो बेसिक मेटेरिया मेडिका है वहां से हमें इसकी जानकारी इतनी मिलती है, और कैंसरस ग्रोथ्स एंड इंड्यूरेशंस स्टोनी हार्ट, यहां तक की मिलती है। इज कंप्लीमेंट्री टू फॉस्फोर्स, अरे ऐसे ग्लैंड्स की ग्रोथ में फॉस्फोर्स जैसा कंप्लीमेंट्री कहाँ है, और किसकी मालूम, बोनिंग हसन की कंप्लीमेंट्री है। तो एक्चुअली कल हम बात कर रहे थे कुछ, जैसे दवाइयां पूछते रहते हैं बच्चे, ये जो बड़ा फ्रेंकली मेरा जवाब होता है, ये मेरे को नहीं मालूम, ये पता है, जो पता होती है जिनको हमने यूज किया, मैक्सिमम पॉलीक्रेस्ट है, रेयर रेमडीज में हम बहुत कम जाते हैं, बहुत कोई, क्योंकि रेयर वाले पेशेंट ही नहीं आते, क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ऊपर की सतह के आप पेशेंट कौन से हैं, डीपर सतह के, कैंसर है, ऑटिज्म है, फलाना है, ढमकाना है, किडनी फेलर, हल्का केस ही नहीं है कोई, तो फिर मेडिसिन आपकी वैसी हो जाती है। अगर आप सुपरफिशियल लेवल पे प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपकी ये दवाइयाँ, छोटी दवाइयाँ काम में आती, फिर भी आती कहीं, पर अगर कोई हो तो छोड़ते नहीं उसको, अगर बड़े आगा देना तो फिर देना है, अगर पता है कि इतना ही पार्ट है इसमें निकलेगी, ये है तो देना ही है। हाँ, हम थे इज कंप्लीमेंट्री टू फॉस्फोर्स, तो ये कंप्लीमेंट्री कैसे फॉस्फोर्स, मैं उल्टी स्लाइड से शुरू करूंगा, यहां पे हम हैं अभी। ये पार्ट है उसका जो कंप्लीमेंट्री है फास्फोरस के, ये लास्ट पे कंपाइल की गई है, जहां पे हमने लेके जाना है कि लास्ट साइड पे मैंने लिखा हुआ अफेक्शन ऑफ मैमे, कोनियम इज अफेक्टिंग द ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ अवर बॉडी एंड स्पेशली ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एंड मेल, मेल में काम कर रही है टेस्टिकल्स पे ज्यादा, और फीमेल में काम कर रही है ओवरीज पे और मेमरी ग्लैंड पे ज्यादा। तो हमने कभी, कल परसों से बहुत बात हो रही है, हमने कभी भी जो हनीमैन की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार कैंसर के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करना, कैंसर क्यों है इसके लिए प्रिस्क्राइब करना प्लीज, राइट? तो जो इसका इक्वेशन, दैट इज विद फास्फोरस इज डेथ ऑफ लव्ड वंस, डेथ ऑफ लव्ड वंस, आप ढूंढेंगे रेपर्टरी से जाके, क्योंकि रेपर्टोरियल है ये, कंप्लीट रेपर्टरी में है,
इसका एक डिल्यूजन है, डिल्यूजन बर्डन्ड विद ग्रीफ। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो माइंड का पार्ट डिल्यूजन से और डिल्यूजन का पार्ट माइंड से और उसके बाद फिजिकल के ऊपर कैसे मैनिफेस्ट होता है, ये बहुत वंडरफुल है, ये मतलब बहुत विस्मादी है ये। अगर आपको समझ में आता है, मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं आपको कि ये यहां पे मेरा सवाल रहता है कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए, आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे कि ये कैंसर है तो ये दे दो, स्टोन है तो ये दे दो, ये करेक्टरिस्टिक है तो ये दे दो। नहीं, ये काम नहीं है होम्योपैथ का। होम्योपैथ का काम पूरी एक्सरसाइज है, माइंड टू बॉडी, बॉडी टू माइंड, हाउ दिस स्पिरिट हैज टेकन द फॉर्म ऑफ अवर फिजिकल बीइंग एज वेल एज ऑफ अवर डिजीज्ड बीइंग। इस स्पिरिट ने कैसे फॉर्म लिया, ये समझ में आना चाहिए होम्योपैथ को, इवन विद इन द करेक्टरिस्टिक। सो व्हाट इज दैट? डेथ, एलिमेंट फ्रॉम लव्ड वंस कन्वर्टेड इन टू लव डिसअपॉइंटमेंट, ऐसे जाती है कोनियम। ये पार्ट है फास्फोरस का, केयर्स वरीज फास्फोरस है। तो मैंने ले लिया ग्रीफ, डिल्यूजन ग्रीफ वेटेड अपॉन ड्वेल्स ऑन द डिसएग्रीबल अकरेंसेस। ये एक पार्ट है जो फास्फोरस का है। लेकिन जो इक्वेशन मैं देख रहा था और वो काम कर रही थी वो क्या है, पहले मैं वो शेयर करना चाहता हूं, फिर हम चलते पीछे कि मेरे सामने खुलती कैसे है। मैं देख रहा हूं फास्फोरस है, पल्सटिला है, पेशेंट को देख रहा हूं, फास्फोरस है, पल्सटिला है, फास्फोरस है, पल्सटिला है। कैलकुलेशन में पूरा फास्फोरस काम करती है, पल्सटिला भी करती है, फास्फोरस काम करती है फिर अधूरा छोड़ जाती है, कोनियम है फिर बीच में। ऐसे आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। कैसे? एलिमेंट फ्रॉम डेथ कन्वर्टेड इन टू लव डिसअपॉइंटमेंट केयर वरीज फॉलोड बाय एक और रूब्रिक है फिजिकल के ऊपर इसका, मैग्नेटिज्म डिजायर फॉर कंसोलेशन डिजायर फॉर, अभी आ जाएंगे पूरे सीक्वेंस में। कंसोलेशन डिजायर फॉर सबसे ऊपर किसमें? फास्फोरस में, पस्टिला में। और मैग्नेटिज्म डिजायर फॉर किसमें? पस्टिला आपका आउट हो जाएगा, फास्फोरस इन हो जाएगा। और जब अफेक्शन ग्लैंड्स का है और नीचे इक्वेशन ये है, अफेक्शन ग्लैंड्स का है, नीचे आपकी इक्वेशन ये है, देन कोनियम है। तो मैं दोबारा से जोड़ रहा हूं जहां से मैं, मेरे को एंट्री मिल रही है इसकी और बहुत बढ़िया काम कर रही है। एलिमेंट फ्रॉम डेथ प्लस केयर वरीज, कल भी हमने सोचा था केयर वरी चिंता, मौत हो गई उसके बाद चिंताएं बढ़ी परिवार की और बाकी लोगों की, और उसके साथ उसमें पड़ा है मैग्नेटिज्म अलॉन्ग विद अदर रूब्रिक्स भी हैं जो इसमें अभी हम कंसिडर करेंगे आगे। तो ये इक्वेशन मेरे को फास्फोर इज कंप्लीमेंट्री टू फास्फोर ऊपरी पड़ी, ऑब्जर्वेबल बाय, ये पुराना मटेरियल मेडिका जो हमें मिला था जो हम उठाया करते थे, ड्रेस इज द बेस्ट। अगर आपको बाहर से देखना है जो पुरानी वाली कोनियम थी वो क्या थी, ड्रेस इज द बेस्ट। ड्रेस इज कैसे बेस्ट ड्रेसेस? बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसअप है, आप हर बारी देखेंगे, वैसे तो गर्ल्स में कॉमन है ये थोड़ा, पर हर बार देखें अरे हर बार नई ड्रेस और इतनी बढ़िया, हर बार नेक्स्ट टाइम इस बार भी अच्छी ड्रेस। हाँ, एक चीज जो मैं मिस कर गया अभी आ रही है इसमें, हर बार अच्छी ड्रेस, ये बाहर का पार्ट है। लाइक टू बी कंसोल्ड एंड टॉक्ड लाइक पल्सटिला एंड फास्फोरस, ये मैंने बता दिया आपको। एंड जो तीसरा पार्ट जो फास्फोरस एंड पल्सटिला से थोड़ा हटके है, सेंसुअल है, सेंसुअल एंड सेक्सुअल। आपका शब्द शायद इस आपको थोड़ा टेढ़ा आड़ा लगेगा कि ये अच्छा शब्द नहीं है, पर होम्योपैथ के लिए अच्छा है, सब चीज अच्छी है, क्योंकि जो एनर्जी पेशेंट आपके ऊपर फेंक रहा है, कल हम बात कर रहे थे, फेंकेगा एनर्जी तब व्हेन योर ऑब्जर्वर आइडेंटिटी नहीं है, ऑब्जर्वर आइडेंटिटी से बाहर हो जाता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी कोलैप्स्ड एंड यू बिकम अ सिंगल और कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वर ऑफ द थिंग्स, जस्ट नथिंग मोर देन ऑब्जर्वर। दीदार सिंह ना रहे, जब क्या रहे, सिर्फ चेतना रहे, ऐसी अवस्था हो जाए आपकी, फिर आपके ऊपर गिरने लगती है कि ये फलाना है, इसमें से ये लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है। उस अवस्था में आपको देखेगा कि इसकी सेक्सुअल एनर्जी, सेंसुअल एनर्जी ज्यादा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसुअल? सेंसुअल इज ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल द फाइव सेंसेस,
फाइव सेंसेस, और उसमें से इसकी जो सेक्सुअल सेंस है वो ज्यादा है। और आपको समझ में आना चाहिए ग्लैंड्स कौन से इन्वॉल्व है, समझ में आई बात, कैसे रिलेट होता है, समझ में आता। सेक्सुअल एंड सेंसुअल एनर्जी का बढ़ जाना, अभी जो आगे चीज हम पढ़ते हैं क्यों बढ़ती है, मैग्नेटिज्म डिजायर फॉर, एंड थर्ड फोर्थ वन इज अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। व्हाट इज अम्यूजमेंट, मनोरंजन, जो हमारी भाषा वो देती है सही शब्द, मनोरंजन, मन मन को कुछ अच्छा लगे, सेंसेस को कुछ अच्छा लगे। समझ में आता है अम्यूजमेंट एंड सेंसेस का क्या संबंध है। अच्छा म्यूजिक सुनना मनोरंजन है, अच्छी चीजें देखना मनोरंजन है, कान रस, आंख रस, नाक रस, जुबान रस, सभी रस, और रसों को भोगने वाली जो ज्ञान इंद्रियां हैं जब उसमें ग्रेटिफिकेशन में जाती है, दैट इज सेंसुअल। तो जो इकोनियम है बेसिकली सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन वाला बंदा है। तो ग्लैंड कब बढ़ेंगे, कनेक्शन बनेगा अभी आगे आपका, ग्लैंड कब बढ़ेंगे, जो पुराने लोग हैं वो समझ जाएंगे, जोड़ लेंगे इस चीज को, ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट कब होगा। ग्लैंड्स एंडोक्राइनल पार्ट है हमारा, डीपेस्ट पार्ट है, जल्दी से इफेक्ट नहीं होते। जब भी हमने रेसिप्रोक करना मटेरिया मेडिका को, हमने फंक्शंस को रिवर्स कर लेना है, उल्टा लेना है, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स, ग्लैंड्स, ओवरीज, टेस्टिस, मेमोरी ग्लैंड्स अफेक्शन मैंने बता दिया, स्टोनी एंड्यूरेशंस, मैं साथ साथ में खोलता जाऊं दिमाग आपका, ग्लैंड्स के ऊपर असर क्यों है, ग्लैंड्स के ऊपर असर क्यों है, कौन सा ग्लैंड, यहां से पता चलेगा। अगर हमारे पास आता जनरल का रूब्रिक ग्लैंड्स अफेक्शंस जनरल, तो फिर उसके लिम्फ ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक एज पैनक्रियास एज ए ग्लैंड, लिवर एज ए ग्लैंड, पूरी की पूरी जो ग्लैंडुलर सिस्टम आपका पूरा उसमें आएगा। बट अगर आता है कल के केस जैसा हॉजकिन लिम्फोमास, तो फिर कौन सा पार्ट है, लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ ग्लैंड मींस हमने कल खोला उसको, डिफेंसिव सीट, आपकी जो बीमारी कहां पे है, डिफेंसिव सीट पे है। और अगर मेमोरी ग्लैंड है तो कौन सा पार्ट है, नर्सिंग पार्ट। और अगर ये टेस्टिकल एंड ओवरीज है तो कौन सा पार्ट है, प्रोक्रिएशन का पार्ट। तो आपके जो ऑर्गन्स है वो सीधा ही खोल रहे हैं आपके दिमाग को कि मेरे पेशेंट का संबंध कहां पे है। अगर प्रोक्रिएशन के पार्ट पे है तो यू हैव टू फाइंड समथिंग इन रिलेशन टू द प्रोक्रिएशन, ठीक है। तो प्रोक्रिएशन के ऊपर जब इफेक्ट आता है तो ये टेस्टिकल, और उसके लिए क्या बोलते हैं, हैमर, प्रोफंड लॉस। प्रोफंड लॉस मीन टोटल लॉस ऑफ लव्ड वंस। और जो मेमोरी ग्लैंड, उसके लिए क्या आता है, केयर वरीज, इधर अगर डक्टल है तो सेपरेशन। ये पूरा पढ़ना आपको जाके उठा के हैमर को एक एक लाइन, जैसे ऑर्गन पढ़ते ना, एक एक लाइन पढ़नी है उसकी, समझनी है उसको अच्छे से। सो अभी हमारा क्वेश्चन है ग्लैंड्स कौन सा, अगर तो लिम्फेटिक है डिफेंस सीट गई, अगर ये है वरी बढ़ गई, और अगर टेस्टिकल है प्रोफंड लॉस हुआ, और उस लॉस की भरपाई में हीलिंग फेज में वो ग्रो करेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में ग्रो करेगा मेमोरी ग्लैंड। लेकिन आगे है स्टोनी हार्डनेस, व्हाई थिंग्स बिकम स्टोनी, हैमर बताते हैं। हीलिंग फेज आ गया तो स्टोनी हो जाएंगी, लेकिन हमें अपने हिसाब से समझना है, अपने हिसाब से कि व्हाट हैपेंड टू योर सिस्टम व्हेन इट टर्न्ड द थिंग्स टू बी स्टोनी। जब पत्थर होगा तो असर होगा, पत्थर होगा तो असर होगा, इसका मतलब क्या किया बॉडी ने, उस पार्ट को पथरीला क्यों कर दिया, वो पार्ट बीमार क्यों है, वो पार्ट इंजरी, चोट खा रहा है लगातार, चोट खाने के बाद वो फूला, फूलने के बाद फूलना जो इंफ्लेमेटरी स्टेट हो सकती है या परमानेंटली इनलार्जमेंट हो सकती है आउट ऑफ सीए, आउट ऑफ म्यूटेशंस, और उसके बाद हार्ड हो गया, इसका मतलब बॉडी क्या चाहती है, इस पार्ट को और चोटिल मत करो, ये चाहती है, चोट अभी भी चल रही है, इस पार्ट को चोटिल मत करो, मेरे को इसको, मेरे से अब सहलाया नहीं जाता, मेरे से ये पीड़ा सही नहीं जाती। ये है इंड्यूरेशन, कब आपकी स्टोन में तब्दील होती है, उठाएंगे वही इरिटेशन ही। कल जैसे हमने पढ़ा हाइपरस्थीसिया, कल हमने पढ़ा माइल्जिया, इस सतह पे आ गए डोंट टच मी, लेकिन एक सतह ऐसी है पैरास्थीसिया, सुन्न पड़ गया, जो मर्जी चलता रहे पता ही नहीं चलता। तो लाइक स्टोन इज अ काइंड ऑफ सुन्न पड़ गया, अब फील नहीं करना, इस पार्ट को मैंने फील ही नहीं करना।
असेंडिंग सिम्टम्स पैरालिसिस, ये हमने एक सिम्टम हमने इसका आप जानते हैं कि ये इंड्यूरेशन की दवाई है, बट कोनियम इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी ऑफ पैरालिसिस। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की मेन रेमेडी है, अलॉन्ग विद यहां पे आप एल्यूमिना सोचते हैं, यहां पे आप प्लम्बम सोचते हैं। असेंडिंग पैरालिसिस में मैंने देखा नहीं कौन कौन सी दवाइयां पड़ी हैं, पहले दो थी, वन तीन थी, उनमें से एक कोनियम है, चेक कर लेना प्लीज। असेंडिंग पैरालिसिस, असेंडिंग जब भी होगा इट विल बी वेरी ग्रेजुअल, सडन नहीं होगा। ओल्ड पीपल्स रेमेडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड पीपल्स रेमेडी, ये पुराने सिम्टम है, वो देखने वाले सिम्टम थे जो हमने पहले पढ़े। ओल्ड पीपल्स रेमेडी, बूढ़े लोगों की दवाई, धीरे धीरे खोलते हैं। और आगे क्या, इफेक्ट ऑफ बाउल्स एंड ब्लोज एंड इंजरीज, सिम्टम है, कैंट साहब की एंट्री है, इन सब बहुत ग्रेट ऑथर्स की एंट्री है। कैंसर ऑफ ग्लैंड्स, इंजरीज आफ्टर, ठीक है, पकड़ लिया, इंजरी के बाद कैंसर हो गया, सबको होता है, नहीं होता। क्या इंजरी के बाद कैंसर होना चाहिए? कैंसर की जो डेफिनेशन वो क्या है, कॉन्स्टेंट 5 to 7 जेनेटिक हिट्स फ्रॉम द एपिजेनेटिक्स टू द जेनेटिक्स, राइट। तो चोट ने क्या किया, जेनेटिक हिट मारी। मैं दिमाग खोल रहा हूं आपका, अगर आप किसी फिजिकल सिम्टम को भी उठा रहे हो तो यू शुड हैव अ वेरी ओपन माइंड। तो क्या क्या आएगा, क्या चोट लगना, एक और सिम्टम है किसी रेमेडी का साथ कॉस्टिकम का है, पैरालिसिस इन एक्सपोजर टू कोल्ड, राइट। तो कोल्ड में इतनी जान है कि पैरालिसिस हो गया, अरे भाई ये सिर्फ उसके या बोलते ट्रिगरिंग पॉइंट्स है, ग्राउंड इज ऑलरेडी रेडी बाय समथिंग। हैमर ये नहीं बताते कि ये ग्लैंड सूजा, कैंसर हुआ, ठंड से हो गया, होता है ऐसे, दे आर जस्ट एक्साइटिंग पॉइंट्स। वो एक्साइटिंग पॉइंट को हमारी रेपर्टरी ने क्या, जब इसकी प्रूविंग हुई, अगर मैं यहां पे आ जाऊं, प्रूविंग हुई है इस सिम्टम की, प्रूवर ने क्या बोला, इंजरी हुई और उसके बाद कैंसर हो गया, कैंसर हुआ प्रूवर को, तो ये क्या है, ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, अलॉन्ग विद कि इंजरी में इन इन लोगों को सीए हुआ। हाँ ये एंट्री है, पर मेरे लिए ये ग्रेट एंट्री नहीं है, मेरे लिए ये ग्रेट एंट्री नहीं है कि ठंड के साथ सारे पैरालिसिस, तो स्टक फीलिंग है, ठंड में क्या स्टक किया उसको, लगातार ठंड में गया, आज ठंड में गया, अरे जिंदगी में उसको कहां पे स्टक हुआ, क्या एक बार स्टक होने से पैरालिसिस हो जाएगा, क्या एक बार चोट लगने से जेनेटिक हिट लग जाएगी और बंदे को कैंसर हो जाएगा, नहीं, इसके पीछे जाना है, राइट। अफेक्शन अफेक्ट ऑफ ब्लोज एंड इंजरीज, ब्रेस्ट सोर एंड हार्ड, मेंसुरेशन बिफोर एंड आफ्टर, ये बहुत कॉमन सिम्टम है फीमेल्स के, अगर ब्रेस्ट सोर एंड हार्ड इन रिलेशन टू मेंसेस है तो व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ दिस सिम्टम विद द मेंसुरेशन, व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ सोरनेस ऑफ ब्रेस्ट इन रिलेशन टू मेंसेस और अदरवाइज ऑल्सो, इसका मतलब मेमोरी ग्लैंड्स कहीं ना कहीं पे क्यों अफेक्ट होते हैं, अगेन वरीज, चिंता, लेफ्ट या राइट आप उठा लो, चिंता कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है जो स्पेशल हार्मोनल स्टेट में उसको बढ़ाती या कम करती है। वर्टिगो बहुत बढ़िया सिम्टम था, वर्टिगो टर्निंग द हेड एग्रावेट्स, हल्का सा हेड भी टर्न करते, क्लार्क ने केस लिखा इनका कि स्टैगरिंग गेट था, अटैक्सिया का केस, अटैक्सिया में बोलते सिर्फ बाकी चीजें तो सही, सिर्फ एक ही था, जैसे सिर घुमाता था चलते हुए इवन ऑन द बेड ही यूज्ड टू लॉस द बैलेंस जस्ट बाय टर्निंग द हेड। नाउ फॉर मी टर्निंग द हेड हैज सम रिलेशनशिप विद इन लास्ट स्टेज में जब अटैक्सिया में जाएंगे उसके साथ इसका, कल भी मैंने बताया था, एक संबंध है। वर्टिगो हमारा लॉस ऑफ बैलेंस है इनिशियल स्टेट में और अटैक्सिया फंक्शनल है, और अटैक्सिया हमारा परमानेंट लॉस ऑफ बैलेंस है जिसमें आपका बॉडी का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया और न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो गया, खुद पैथोलॉजिकल हो गया, एक फंक्शनल है एक पैथोलॉजिकल है। तो ये रेमेडी ग्लैंड्स के ऊपर असर करके, नर्व्स के ऊपर असर करके, वर्टिगो इतना गहरा करके बॉडी को पैरालिसिस की तरफ लेके जा रही है।
पहला डिफेंस उसने पेन दिया होगा, दूसरे में ग्लैंड्स को स्वोलन किया होगा, तीसरे में उसने ग्लैंड्स को हार्ड किया होगा, लेकिन वरी से, प्रोफंड लॉस से, अभी मैं जोड़ रहा हूं साइकोलॉजिस्ट की, से भी वो उबर नहीं पाई और अब जिंदगी में उसको चलना भारी पड़ गया। ऐसा है इसका एक्सप्रेशन।